डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, nth ऑर्डर यानी कि d की पावर n y बाई डी एक्स एन, ये आएगा। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो जो भी डिफरेंशियल कोफिशियंट है उसका जो कोफिशियंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, सिर्फ कोफिशियंट, वो जो कोफिशियंट है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x हो सकता है। सो p1 p2 डॉट 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 pn एंड x RHS में जो है, दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ x ओनली, y नहीं होना चाहिए। और ये जो y है ये y ही होना चाहिए, y की पावर 2, y की पावर 3 ये सब नहीं चलेगा, y अंडर रूट ये सब भी नहीं चलेगा। देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये p1 p2 डॉट 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 pn ये क्या है, कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स हैं, तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स, ठीक है। और x क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। नाउ सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, कोफिशियंट क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, साइड में कोई फंक्शन नहीं है x का, यानी कि जीरो है। सो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा, आप डी स्क्वायर है सो डी स्क्वायर होगा, डी है प्लस 2d होगा प्लस 17 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये बनी। अब इसको सॉल्व करोगे तो d क्या आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 4 आयोटा, ठीक है। माइनस 1 की वजह से, अब तरीका तो ये है प्रॉपर निकालने का, तो ये कन्वेंशनल में है, बट डायरेक्टली कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू e की पावर x, x में क्या लिखना है, x का कोफिशियंट ये लिखना है माइनस 1, ठीक है। और फिर इमेजिनरी पार्ट है 4 आयोटा, प्लस माइनस 4 आयोटा का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, इस तरह से समझना। सो फ्रीक्वेंसी इज 4, यानी कि साइन 4x लिखना है, कॉस 4x लिखना है। सो साइन 4x कॉस 4x, और उसके कोफिशियंट क्या होंगे, C3 एंड C4, ये दो कांस्टेंट होंगे जो अननोन है। अननोन दो क्यों है, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर की है, ठीक है। अब इन दो कांस्टेंट को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, वाई जीरो इज 1, सो वाई को एक्स को जीरो पुट करो, वाई कितना आएगा, 1 आएगा। सो एक C1 C2 में रिलेशन आ जाएगा इससे। फिर दूसरा क्या दिया है, dy by dx निकालो और पाई बाय 4 पुट करा, देन पाई बाय 4 पुट करने पे 0 आएगा। सो dy by dx निकाला, फिर x को पाई बाय 4 पुट करा, तो dy by dx कितना है, 0 है, ठीक है। सो इस इक्वेशन से फिर एक और लीनियर वो मिल जाएगी, C1 C2 में रिलेशन। तो C1 C2 में दो इक्वेशन मिल गई, और दोनों को सॉल्व करो तो C1 और C2 आ जाएगा। नाउ ऐसे ही आता है, ठीक है। नाउ बेसिकली इसमें क्या है, दिस अगर इस तरह के रूट्स आते हैं, इस तरह का डी आता है, देन दिस इज द सॉल्यूशन। 4 आयोटा का मतलब cos 4x sin 4x, यानी कि 4 फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है। सो e की पावर x, x का कोफिशियंट क्या है, रियल पार्ट। अब ये आता है, इसमें क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। सो क्या आएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x, ठीक है भैया। सो ये हो गया। नाउ अब इसने p के टर्म्स में दे रखा है, तो p क्यों लिख दो भैया अपने को, मेरे टर्म्स में p C1 C2 है, उसने p क्यों लिख रखा है, सो p क्यों हो गया। नाउ फिर ये इक्वेशन आती है, ये भी लीनियर इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो डी प्लस 3 डी माइनस 3, यानी कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब हुआ C1 e की पावर माइनस 3x प्लस होगा C2 e की पावर 2x, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। सो इस तरह के रूट्स आते हैं तो इस तरह से सॉल्यूशन लिखना है। और ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ भी जीरो है, राइट हैंड साइड में जीरो है, राइट हैंड साइड में जीरो है, राइट हैंड साइड में जीरो है, इसलिए सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल रहा है, ठीक है। नाउ फिर ये इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन में डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये इसकी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन बनेगी। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या दिया, वाई इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस 3x, यानी कि अगर आप यहाँ से देखो तो आपको पता लगेगा कि d इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, और दो रूट्स क्या हैं, माइनस 1 यानी कि माइनस 3 था ना, यहाँ पे माइनस 3 एक रूट था तो ये फॉर्म आई थी, और 2 एक रूट था तो ये फॉर्म आई थी। सो ये फॉर्म कब आएगी, जब माइनस 1 एक रूट होगा और एक माइनस 3 होगा,
सो एक रूट तो है -1 और एक है -3, ठीक है। सो यानी कि ये इक्वेशन इज इक्वल्स टू डी प्लस अल्फा डी प्लस 1 एंड डी प्लस 3 के बराबर होगी, ठीक है। सो डी प्लस इज ये 0 हटा दो, इज इक्वल्स टू डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 3। फिर पी और क्यू को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। फिर दूसरा तरीका हो गया सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a, सो -p, सो p आ गया 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c/a यानी कि q, ठीक है। सो q इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि -α - -1 × -3, ठीक है भैया। सो ये दूसरा तरीका हो गया। नाउ अभी ली आती है, अब क्या बनाओगे, डी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी प्लस क्यू प्लस 1 × y इज इक्वल्स टू 0। नाउ इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन 44 एंड 45 रिलेटेड है, ठीक है। सो ये इक्वेशन आई, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पी एंड क्यू। तो जो ये पी एंड क्यू ले रहा है बेसिकली, तो वो पी एंड क्यू कौन से ले रहा है, जो यहाँ पे निकाले हैं। सो पी एंड क्यू क्या लिखना होगा, पी को 4 क्यू को 3 रख दो। सो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन में लेंगे। सो ये बनेगा डी प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो ई की पावर -2x तो आएगा ही, ठीक है। अब 2e की पावर -2x नहीं आ सकते, सो कैसे बनेगा, c1 + c2x या फिर c1x + c2, कैसे लिख लो, ठीक है। और c1 और c2 निकालने पड़ेंगे, दो उसको कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है भैया। सो अब उसने क्या कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब उसने सॉल्यूशन कुछ कुछ दे रखे हैं। सो अब आपको दिखाई देगा e की पावर -2x इसमें आ रहा है और e की पावर -2x इसमें आ रहा है, बट यहाँ पे e की पावर -2x के साथ x² मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है। सो ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये और ये तो हो ही नहीं सकते। सो दिस इज द सॉल्यूशन सी, ठीक है। नाउ 46 क्वेश्चन, x" यानी कि d² प्लस 3x यानी कि d² + 3, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, d² + 3 यानी कि d = ±3i। सो ±3i का मतलब क्या हुआ, a cos√3x, रूट थ्री फ्रिक्वेंसी है, √3t प्लस b sin√3t। t क्यों लिख रहे हो, बिकॉज t के रेस्पेक्ट में है, ठीक है भैया, टाइम के रेस्पेक्ट में होगी। नाउ ये आ गया, अब a और b निकालना है, तो a और b कैसे निकलेगा, x(0) = 1, सो 0 पुट करो। सो टी को 0 पुट करो तो 1 आना चाहिए, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। सो ए 1 आएगा इससे और बी 0 आएगा दूसरे वाली कंडीशन से। सो ऐसे करके ए और बी निकल गया, तो आपका ये निकल जाएगा x(t) निकल जाएगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और फिर x(1) निकल जाएगा। फिर 47 क्वेश्चन, y" + 2y" + y = 0 यानी कि d² + 2d + 1 = 0, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, d + 1 का होल स्क्वायर यानी कि d = -1 - 1 यानी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि e की पावर -x आएगा। और दो रूट्स के लिए कैसे लिखना होगा, c1 + c2x। नाउ c1 और c2 निकालना है, तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन से आप c1 c2 निकालोगे और फिर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट इस केस में जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला आपको, y = 0 इज द सॉल्यूशन। तो y = 0 इज द सॉल्यूशन, तो y 0.5 पे क्या होगा, 0.5 पे भी 0 ही वैल्यू होगी वाई की, ठीक है। अब आता है 48 क्वेश्चन, फिर इसमें वही सब करना है, d² + 6d + 8 इज इक्वल टू 0। सो +4 + 2 यानी कि -2 और -4, सो एक आएगा e की पावर -2x और एक आएगा e की पावर -4t। तो c1 और c2 निकालना है, तो दो कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन से c1 और c2 में इक्वेशन आ जाएंगी, तो c1 c2 निकल जाएगा, सो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 49th क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन में डिफरेंशियल कोफिशियंट का जो डिफरेंशियल जो है, ये इनके जो कोफिशियंट है वो कांस्टेंट नहीं है, x²x, सो कांस्टेंट नहीं है बेसिकली। अभी तक क्या देख रहा था मैं कि इनके कोफिशियंट जो है वो कांस्टेंट्स हैं, बट यहाँ कांस्टेंट्स नहीं है। सो इसको कैसे सॉल्व करा जाता है ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो ये बढ़िया क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है, ये मैं बाद में बताऊंगा।
फिर उसके बाद आता ही है, इसमें क्या करना होगा वही सेम चीज़, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, सो डी माइनस 2 माइनस 3 आया, यानी कि c1 e की पावर माइनस 2t प्लस c2 e की पावर माइनस 3t, और c1 c2 निकालना है, तो c1 c2 के लिए उसने क्या दिया, 0 वाली कंडीशन दी और फिर 1 वाली कंडीशन दी, सो 0 और 1 वाली कंडीशन दी, तो c1 c2 में दो इक्वेशन आ जाएंगी, सो दो इक्वेशन आ गई तो c1 c2 निकल जाएगा, सो yt निकल गया एग्जैक्टली. फिर क्या कह रहा है, dy वाई बाई डी टी एट 0, सो डी वाई बाई डी टी निकालो और t को 0 पुट कर दो, तो आंसर कितना आएगा, माइनस 3. फिर उसके बाद 51 क्वेश्चन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसमें क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो डी आया 2,3, सो e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x, ठीक है, सो e की पावर 2x, e की पावर 3x, 2x माइनस 3x गलत हो गया, माइनस 2x 3x ये भी गलत हो गया, इसमें माइनस 2x माइनस 3x तो ये भी गलत हो गया, प्लस 2x है प्लस 3x है, सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. सो इसने c1 और c2 को 1-1 रख के क्या कर दिया, सॉल्यूशन को एग्जैक्ट बना दिया, ठीक है. सो एक्चुअली में जनरल सॉल्यूशन होगा तो c1 इंटू दिस प्लस c2 इंटू दिस होगा, बट c1 c2 को आर्बिट्रारी वैल्यू ले ली 1,1, तो ये क्या बन गया, एग्जैक्ट सॉल्यूशन बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में nx इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, nx लिखा हुआ है, तो यानी कि डिपेंडेंट ऑन x, सो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो बेसिकली ये जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, n एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है. नाउ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, डी स्क्वायर माइनस nx को हटा दो माइनस 1/L², सो डी स्क्वायर माइनस 1/L² इज इक्वल टू 0, सो d कितना आया, प्लस माइनस 1/L, यानी कि इसका क्या बनेगा, प्लस माइनस आयोटा नहीं है, प्लस माइनस 1/L है, सो c1 e की पावर प्लस 1/L इंटू एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस 1/L इंटू एक्स. नाउ उसने दो कंडीशन दी है, 0 पे k है, इन्फिनिटी पे 0 है, सो 0 पे k है, सो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू k, इन्फिनिटी पे 0 है, सो इन्फिनिटी पे 0 है, यानी कि c2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है. सो c2 निकल गया, c1 इज इक्वल टू के, तो nx का सॉल्यूशन निकल जाएगा, और nx का सॉल्यूशन किसके बराबर आया, d के बराबर आया, ठीक है. सो ये देखने जो फॉर्म है ना इस क्वेश्चन की, वो फॉर्म देखने से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज d2y/dx² जैसी हम इक्वेशन लेते हैं, बट यहाँ पे y की जगह nx ले लिया, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया. फिर यहाँ पे कांस्टेंट की जगह उसने माइनस 1/L² दिया, सो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. सो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, पर सॉल्यूशन बहुत ईजी है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट उसने nx कर दिया ना यहाँ, और यहाँ कांस्टेंट सिंबॉलिक फॉर्म में, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा. 53 क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, अभी करा नहीं है, ठीक है. फिर आता है 54th क्वेश्चन, 54th क्वेश्चन में फिर वही माइनस वन आया, यानी कि e की पावर माइनस टी तो आएगा ही आएगा, अंदर क्या आएगा, दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो c1 प्लस c2 इंटू टी, ठीक है. अगर माइनस वन होता तो c1 प्लस c2 टी प्लस c3 टी स्क्वायर, ऐसे करके जितने रूट्स बढ़ेंगे उतनी पावर बढ़ती जाएंगी, ठीक है. फिर ऐसे करके c1 c2 को निकाल लेना दो कंडीशन से, और आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल जाएगा. फिर 55th क्वेश्चन, फिर से वो बनानी है, डी स्क्वायर प्लस टी डी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 माइनस 2, यानी कि e की पावर माइनस एक्स माइनस टी प्लस c2 e की पावर माइनस 2t. नाउ c1 और c2 निकालना है, तो c1 और c2 में दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो कंडीशन गिवन होंगी, दो कंडीशन गिवन है, दो इक्वेशन बन जाएंगी, फिर एक्स ऑफ टी एग्जैक्टली निकल जाएगा, और एक्स ऑफ टी एग्जैक्टली निकल जाएगा, तो एक्स ऑफ 2 निकाल लेना, ठीक है भैया. सो यहाँ आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा होता है, ठीक है. अब इसके बाद आएगा आपका रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सब आएगा.